हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ गलतियों के बारे में जो कि एक नूब करता है और एक प्रो कभी भी नहीं करता। ठीक है, अगर आप ये गलती करते होगे तो इन्हें ज़रूर से ज़रूर सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग कार चला रहे हों और आपको कोई गोली मार रहा हो, जैसे कि आपको मतलब कोई शूट करते जा रहा हो, तो आपको क्या करना है? एक नूब क्या करेगा कि कार को सीधे चलाते जाएगा या फिर थोड़ा सा टर्न ले लेगा तो ले लेगा। ठीक है, उसको पता नहीं चल पाएगा कि वो कहाँ से कार मतलब चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक प्रो होंगे तो आप क्या करेंगे कि अगर कार चल रही होगी तो आप कार को पहले तो बहुत ही ज़्यादा जितना हो सके उतना टर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मैप में ज़रूर देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ से एनिमी मार रहा है, उसका साइन तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो देख के आप एक बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह पर रुकेंगे और ताकि उनकी गोलियां आप पे ना लगे, वरना अगर आप चलते रह गए तो अगर वो पूरी टीम हुई तो आपको पूरा उड़ा देंगे, आपकी कार को ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि एक नूब और प्रो क्या करते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप किसी पे गोली चला रहे हो, ठीक है, तो नूब क्या करेगा कि वो सीधा ही गोली चलाते जाएगा चाहे वो बॉट हो या आदमी हो। ठीक है, सीधा गोली कभी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं चलानी चाहिए। आपको क्या करना, अपना स्कोप खोलना होता है। स्कोप में आपको हमेशा रखना है रेड डॉट। ठीक है, स्नाइपर के साथ नहीं है, आपके पास जो गन रहती है उसके साथ आपको, जैसे कि M416, उसके साथ आपको रेड डॉट ही रखना है। बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, आपकी मर्जी, आप होलोग्राफ रखें या रेड डॉट। ठीक है, अब आपको उसे खोल के मारना है ताकि ज़्यादा अच्छा एम आए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा एम बहुत ज़रूरी होता है पास के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी बात आ गई कि अगर आप सर्कल के सेंटर में हैं, मतलब सर्कल बड़ा है अभी, मतलब मान लेते हैं सर्कल बड़ा है, 50-60 बंदे बचे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एक नूब होगा वो यहाँ पे क्या कोशिश करेगा करने की कि इधर उधर घूमते रहेगा, मतलब वो कार से घूमेगा या फिर बाइक से घूमेगा या इधर उधर देखते रहेगा, बस यही करेगा। और जो एक प्रो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है और क्या करता है कि कहीं भी अगर वो किसी सेफ पॉइंट पर रुकता है तो वो क्या करता है, अपना स्कोप खोल के हर जगह देखने लगता है। तो आप भी ये ज़रूर करा कीजिए कि हर जगह रुक, मतलब कहीं भी रुके आप तो चारों तरफ बिल्डिंगों में देखिए, घरों में देखिए, 8x लगाइए, 4x लगा के, 6x लगा के, कुछ भी लगा के अपने हर बिल्डिंग में देखिए कि कहीं तो कोई एनिमी नहीं है। और यही करता है एक प्रो प्लेयर, ताकि उसे कोई भी स्नाइप करके ना मार सके, यही वो करता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर आपका सर्कल थोड़ा छोटा हो जाए, जैसे कि 5 बंदे बचे, 10 बंदे बचे, 15, तो अगर एक नूब क्या करेगा कि वो कहीं भी लेट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहीं भी लेट जाएगा या फिर ट्री के चक्कर काटते रहेगा या इधर उधर मतलब कुछ भी करेगा, तो आपको कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका सेंटर आ गया तो पहले तो आपको सर्कल के बीच में कभी भी नहीं जाना। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रो टिप बता रहा हूँ, सर्कल के सेंटर में कहीं नहीं जाना वरना पीछे से बंदे आपको मार देंगे। आपको हमेशा कॉर्नर पर रहना है, कॉर्नर पे, सर्कल के कॉर्नर पे रहना है और सबको मतलब मारते ही जाने। ठीक है, आपको ऐसे करना, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप लेट भी सकते हैं। ठीक है, कम बंदे बचे तो आप लेट भी सकते हैं। ठीक है, और बस यही करके आप मतलब प्रो प्लेयर बन सकते हैं और नूम नहीं कहला सकते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टिप्स आपको देने की बहुत कोशिश करूँगा। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में भी हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर दी देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।